लगने जा रहा है कमाल का अमृतसरी कुलचा तंदूर के अंदर। नहीं जी, तंदूर में तो सारी दुनिया लगाती है, हम आपको स्पेशल कुलचा लगा के देंगे। क्या बात है, तंदूर में नहीं लगेगा कुलचा? तंदूर में नहीं लगेगा ये। भाई आज की वीडियो में बहुत ही कमाल होने वाली है। आज की वीडियो में जहाँ खड़ा हूँ ना, ये शहर पूरी दुनिया में अपने कुलचों की वजह से जाने जाता है। कुलचे में एक ऐसी चीज निकल के आई है ना कि भाई कुलचा गया बाहर पढ़ाई करके वापस पंजाब आ गया, पंजाब में आके वो कैसा कुलचा बन गया आपको दिखाता हूँ। तो भाई अभी आ गए दुकान के अंदर, पूरा माहौल बना हुआ है, कुलचे लग रहे हैं, उधर उस्ताजी लगा रहे हैं, पीछे कस्टमर बैठे हैं। अंकल जी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। थैंक यू अंकल जी टाइम दिता। नाम बताओ अंकल आप अपना। मेरा जी नाम है काला कुलचे वाला। काला कुलचे वाला? हाँ जी। क्या बात है, ये घर वालों ने रखा अंकल आपका नाम? तो बड़े प्यार से रखा है, मेरी दादी ने नाम रखा है। अच्छा, बड़ा प्यार। वैसे आप गोरे हो, पूरे नाम काला रखा। हाँ। क्या बात है जी। तो अंकल आपकी स्माइल बड़ी प्यारी है। हाँ जी। काले अंकल एक बार दिखाओ क्या क्या होता अपने पास। देखो जी, ये हमारे पास कुलचों की प्लेटें लगी है, अभी ये चटनी डाली है। ये चेक करो, ये ट्रेलर दिखा रहे हैं अंकल जी, चटनी डाली है। चटनी डाली है ये आगे जी, पुदीना मतलब पुदीने की चटनी। उसके बाद ये सलाद है, ये आगे गाजर मूली का, गाजर और मूली का अचार। हाँ जी। ये जी खजाना कुलचे के साथ दी जाती है। ये दी है। इसमें होता क्या क्या अंकल चटनी में? देखो जी, इसमें प्याज होता है, मूली होती है, फिर हरा प्याज होता है। एक चीज भूल गए अंकल आप। हाँ जी। प्यार भी तो होता है ना? प्यार भी होता है जी। प्यार अनलिमिटेड है। अगर छोले तो दिखाओ। हाँ जी हाँ जी, आप छोले भी देखो जी। कुलचे की लुक देखो, क्या कमाल के कुलचे भाई, घी लगा रहे हो? हाँ जी हाँ जी। वाह, मसाला लगाने का स्टाइल देखो पाजी का, काम पूरा एक्शन में, एक मिनट भी ना कस्टमर को वेट नहीं करवानी। ये देखो जी, ओए होए अंकल जी, तुहाडे बेटा जी ने? हाँ जी हाँ जी। क्या बात अंकल जी, आपसे भी तेज स्पीड है इनकी तो। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल जी। ये देखो यार छोले बढ़िया। वाह अंकल जी, प्याज लहसुन होता है इनमें? नहीं नहीं, प्याज लहसुन कोई नहीं, सिंपल छोले होते हैं ये कुलचे। बिना प्याज और लहसुन के ऑथेंटिक अमृतसरी छोले और प्लेटें देखो। अच्छा काले अंकल एक बात बताओ। हाँ जी हाँ जी। अमृतसरी कुलचा तो मेरे हिसाब से बहुत पुरानी डिश है। हाँ जी हाँ जी। पता नहीं कितने सालों से चलती आ रही है। हाँ जी हाँ जी। पर मैंने सुना आपका कुलचा इम्पोर्टेड है, बाहर पढ़ के आया, अब अमृतसर वापस आ गया। हाँ जी हाँ। क्या फर्क है अपने कुलचे में? देखो जी, हमारे कुलचे में बहुत फर्क है, दिखाइए। पहली गलते हम बड़े प्यार से बनाते हैं। क्या बात है जी। अंकल जी आप खुद ही बनाते हो सारे कुलचे? हाँ जी हाँ जी, खुद ही, हम खुद ही तैयार करते हैं जी। वाह, अब ये देखो यार, ये मसाला लग रहा है और प्रोसेस है ना जो इनसेन है। ये आ गया जी पेड़ा, बीच पे बॉल बना के पेड़ा बीच पे, बहुत ही कमाल का यार। मतलब अमृतसर में यार जो माहौल है ना कुलचे को लेके, वो एक अलग लेवल का मिलेगा। पर यहाँ पे जो माहौल देख रहा हूँ, ये डिफरेंट ही चीज है कि भाई ओवन के अंदर कुलचे लगाए जा रहे हैं। हाँ। अंकल इसको शुरू किया कितनी देर होगी ओवन को? हाँ जी हो गए 6 महीने हो गए जी। 6 महीनों से बना रहे हो आप? हाँ जी, ओवन में, ओवन में। अब मेरे को लगता है कल धीरे धीरे बाकी अमृतसर में भी शुरू हो जाएगी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। फर्स्ट टाइम में हमने ही शुरू किया है बात है, ओवन का शुरुआत करने वाले आप हो, पर पीछे पीछे बहुत लोग आएंगे। हाँ जी हाँ जी। अंकल जी वड्डा कुलचा केड़े अपना? हाँ जी हाँ जी, एक वड्डा कुलचा भी होता अपने बोल दी। उसमें क्या होता अंकल? उसमें डबल भरा जाता ही, और एक बार खाए और सारा दिन भूख नहीं लगती। क्या बात है। हाँ जी, फैमिली कुलचा। फैमिली कुलचा, देखो ये भर रहे हैं हम। तो भाई ये लग रहा है फैमिली कुलचा, और पहले ही पेड़ा बहुत मोटा है, पर अब देखो ये कितना मोटा पेड़ा है। वाह, ओहो ये तो फुटबॉल बना दिया अंकल। क्या बात है जी। अंकल किलो का होगा ये तो मेरे हिसाब से। देखो जी, बहुत ही बढ़िया है, सामने ही है। वाह, बहुत सारे पसंद करते हैं इसको, घर पे ले जाते हैं बच्चे और हल्के खा जाते हैं। तो उस्ताद जी वेलने लगे जी फैमिली कुलचा। इसका नाम फैमिली कुलचा, क्या नाम है कुलचा? फैमिली कुलचा रखा ही, एक जना तो खा नहीं सकता, ये 2-3 जने खाते हैं। इसका नाम अंकल जी दारा सिंह कुलचा होना चाहिए। दारा जी बड़े थे ना, वैसे कुलचा बड़ा। यार प्लेट्स देखो लगातार यहाँ पर ना तैयार होती जा रही है, 1 मिनट का भी ब्रेक नहीं है। छोले, चटनी, सलाद, ये उस्ताद जी टेबल पे लेके जा रहे हो। वाह, तो अंकल जी हम मिक्स कुलचा लगा के देने लगे हो आप? हाँ जी हाँ जी। वाह, तो ये लग रहा है जी मिक्स कुलचा, सामने एक बार लगा के दिखाइए अंकल। हाँ लो लो। भाई मसाला जो है ना दोबारा रिफिल हो गया, पूरा बढ़िया बना दिया अंकल ने प्रात भर के। अब ये आया जी कुलचा, हाथों से होगा फ्लैट। अगर अमृतसर आए घूमने और अमृतसरी कुलचा नहीं खाया तो अंकल जी फिर की खाया है ना? हाँ जी, क्योंकि सारे इंडिया में जो कुलचे मिलते हैं ना बोल के अमृतसरी बेचे जाते हैं, पर अमृतसर जैसा स्वाद ना कहीं मिला है और ना आगे कहीं मिलेगा। बिल्कुल अंकल। हाँ जी हाँ जी, जो पानी अमृतसर का उसी में स्वाद है। बारी आ गई है बारी, अब ये हमारा कुलचा लग गया जी। अंकल जी ने कर दिया बढ़िया से फ्लैट, घी और ऊपर आया जी गाजर और धनिया है ना? धनिया, शिमला मिर्च और गाजर। वाह। हाँ जी, अब ये लगे जी थोड़े कट के अंदर से भी कुलचा बन जाए, और अब हमारा कुलचा इस ओवन में लगने लगे। क्या बात है जी, ये चेक करो। हाँ जी, कुलचे को बना दिया इटालियन भाई, तंदूर की जगह कुलचा आ गया इसमें।
इसमें तो एक बार में कितने लग जाते होंगे? इसमें कम से कम 60 पीस लग जाते हैं जी। 60 पीस एक बार में? हाँ जी। क्या बात है जी। हाँ जी, मतलब एक मंजिल वो रही, फर्स्ट फ्लोर ये है, सेकंड फ्लोर यहाँ पे कुलचे लगे। हाँ जी, ये नीचे भी है। वाह, अब ये जा रहा सीधा ओवन में भाई। ये लग गया कुलचा सीधा तंदूर के अंदर। तंदूर नहीं अंकल, मशीन के अंदर। मशीन के अंदर, क्या बात है जी। एक बार दिखाना अंकल, ये देखो भाई कितने सारे कुलचे लगे हुए हैं लगातार। हाँ जी, बहुत ही बढ़िया भाई। बड़ी मुश्किल से ना तंदूर में कुलचे तैयार हुए अपने, और रश देख लो, रुकने का नाम नहीं ले रहा। सर लगा दो प्लेट हमारी भी। जी जी सर। भाई की जो स्पीड है ना उसका दीवाना हो गया मैं, क्योंकि स्पीड कितनी प्लेट लगा रहे हो एक साथ? सर 10। भाई साहब ये 10 प्लेट लग रही है एक साथ, और ये चेक करो प्लेट की अलाइनमेंट कैसे की है, मतलब कम जगह में भी पूरा मैनेज करके पा रही है ना। जी जी जी, लगातार जो है ना फ्लो में काम चल रहा है। तो भाई प्लेट्स देखो आप लगातार, वाह छोले बने शुरू। जी जी, ये देखो यार, मतलब जो दीवानगी है ना उसका अंदाजा आप ये लगा सकते हो कि भाई एक सेकंड के लिए भी भाई की ना नजर इधर है ना उधर है, सिर्फ प्लेटों पर है कि भाई लगनी है। वाह भाई, सपने में भी यही आते होंगे ना कि प्लेट लग रही है? जी, कभी कभार होता है ऐसे। कई बार होता है ना ऐसे, सारा दिन प्लेट लगाते लगाते सपने में भी यही है, चार भेदे पांच भेदे। और ये देखो जी, ये हमारे भाजी देखने में तो पतले से हैं पर बाहुबली है, इतनी प्लेटें एक साथ है ना जी। वाह तो भाई ये देखो जी, प्रोसेसिंग हो गई कुलचों की बिल्कुल बढ़िया से। और ये देखो, वाह लगातार कुलचे आते जा रहे जी। भाई लगातार घी लग रहा है। सर दे दो प्लेट यार। जी 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 सर, लो लो लो। वाह, ये ऊपर मसाला कौन सा डालते भाई? ये सर इसके अंदर चाट मसाला होता है भाई। ये देखो एकदम लिश्कता बढ़िया सुंदर कुलचा, और ऊपर ढेर सारा मक्खन, साथ में अमूल मक्खन। और लो सर आपका भी हो। वाह भाई, ये आ गया कुलचा, ऊपर देसी घी, मसाला, मक्खन। भाजी भेजो टेबल पे, ठीक है जी। जी सर, लो लो लो। भाई ये चीज चेक कर लो, ये आ गया अमृतसरी कुलचा। अब लुक और फील तंदूरी है, ओए होए क्रंच भी तंदूरी है, पर तंदूर में नहीं बना ये, बना जी ओवन के अंदर। अंकल जी कहते लकड़ बच गई, धुआं बच गया, आंखें बच गई, बिजली में बनाया हुआ बिजली वाला इलेक्ट्रिक कुलचा है। देखो माइक सस्ता है हमारा, आवाज नहीं आएगी, तो कोई बात नहीं, करेंगे गेयर अपग्रेड। लाइक करो फटाफट आप वीडियो को। ये आओ ये जी चटनी, इसके बिना अमृतसरी कुलचा अधूरा है। और इतना अंकल ने तामझाम लगाया, पैसे लगाए हैं, मशीन बनाई है, देखते हैं स्वाद में फर्क आया वैसा। भाई स्वाद ना, अमृतसर गोल्डन टेंपल एरिया में जाओ, कोई भी दुकान आंखें बंद करके जहां घुसोगे ना वहां वैसा कुलचा मिल जाएगा। स्वाद में सिंपल अमृतसरी कुलचे जैसा है, पर भन्ने में भाई डिफरेंट चीज। जो फर्क नजर मेरे को थोड़ा सा आया, छोले देखो सेम है, कुलचे में जो फर्क नजर आया क्रंची जो है ना, क्रंची ना तंदूर में, ऐसा क्रंची लगाने के लिए ना तंदूरिया बढ़िया चाहिए। तंदूर वाला जो बढ़िया बंदा होगा ना वो ऐसा क्रंची बना पाएगा। यहाँ पे भाई सारा स्टाफ लगा रहा है, क्रंची कुलचा बढ़िया है, मस्त है, नजारेदार है। लोकेशन अभी बताएंगे सर, सुन के जाना। और भाई लुधियाना में हमारे ये मिलता है 60 रुपए का। पाजी आपके जलंधर 60-70, यहाँ पे 35 क्या, क्योंकि अमृतसर में भाई अमृतसरी कुलचे नहीं अगर सस्ते मिलेंगे तो जापान में थोड़ी मिलेंगे।